Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Richa Rashid from Daryasam, DHN State Advanced. Student, I hope you will be fine. I am also fine. Now I am telling you next home task. First of all, English reading book, page number 25 and 26. Open your English reading book. Reading book, page number 25 and 26. आज हमने पढ़ना है के की फोनी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी. आपने एज इट इज वैसे ही पढ़ना है, ठीक है. के का कैचर, के का की, के का काइट, के का कैटर, ठीक है. ये देखिए एज इट इज ऐसी बोर्ड पर लिखा हुआ है, के का कैचर, के का काइट, के का की, के का कैटर. ओके, नेक्स्ट इंग्लिश रीडन वर्ड बुक पेज नंबर 18 एंड 19, वो आपने होमवर्क करना है. ओपन योर इंग्लिश वर्ड बुक. इंग्लिश वर्ड बुक पेज नंबर 18 के एंड नेक्स्ट पेज 19, ठीक है. ये आपने कंप्लीट पेज करना है. जैसे मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बताऊंगी के की फॉर्मेशन, आपने होमवर्क वैसे ही करना है, ठीक है. ओके, आ जाते हैं बोर्ड पे. जैसे मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगी आपने ऐसे वैसे लिखना है. सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है. फिर यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ऊपर वाली लाइन से मिड में तक टच करना है और फिर थर्ड लाइन पे. आपने फोर्थ लाइन तक नहीं जाना, स्टार्ट से थ्री लाइन के अंदर आपने के लिखना है, ठीक है. नेक्स्ट फिर स्ट्रेट लाइन, ऊपर से आपने मिड तक आना है और फिर मिड से थर्ड लाइन तक. ओके, के का कैचर, के की आपने फोनिक्स निकालनी है. के खा. मैथ्स वर्क बुक पेज नंबर 19 एंड 20. नेक्स्ट ओपन योर मैथ वर्क बुक. मैथ वर्क बुक पेज नंबर 19 एंड 20, ठीक है. पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ छोटी सी एक्टिविटी है नंबर 1 to 10. हमने इनको मैचिंग करना है, इन जो ऑब्जेक्ट बने हुए इनको काउंट करना है और यहाँ पे भी देखना है कि कितने हैं. एज इट इज सेम होने चाहिए, जितने ये हैं उतने ही यही होने चाहिए. तो हमने इनको यहाँ से मैच कर देना है. ये देखिए बोर्ड पर मैंने ये एक्टिविटी बनाई हुई है. ये देखें यहाँ पे, देखें मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए कितना ऑब्जेक्ट है, ये वन है ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे देखें कौन सा वन ऑब्जेक्ट है, ये देखें ये है वन. तो हमने इनको मैच कर दिया है, मतलब कि जो सेम है आपने उनको मैचिंग कर देनी है. ओके, अब आपने देखना है कि ये कितने हैं, वन और ये भी वन. आपने काउंट करना है कि कितने नंबर हैं, सेम नंबर को एक दूसरे के साथ मैच कर देना है. वन और वन, आपने ये देखिए वन पिक्चर को लाइन लेके आनी है और वन के साथ मैच कर देना है. ओके, नेक्स्ट देखिए वन टू थ्री, मेरे साथ काउंट करें, फोर फाइव सिक्स. अब यहाँ पर ढूंढें कि सिक्स कहाँ पर है. सिक्स ऑब्जेक्ट्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये भी सिक्स है. दोनों के नंबर जो है वो सेम हो रहे हैं. आपने देखिए इनको यू करके मैच कर देना है. और यहाँ पे भी देखिए कितने हैं, टू. और यहाँ पे कितने हैं, वन एंड टू, ये भी टू है. आपने इनको मैच कर देना है. सेम अपनी एक्टिविटी अपने वर्कबुक पे, दो पेजेस हैं, आपने वो कंप्लीट करनी है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं उर्दू पे. उर्दू पढ़ाई सफा नंबर 11. ओपन योर उर्दू कायदा. उर्दू कायदा सफा नंबर 11. आज हम पढ़ने लगे हैं सफा नंबर 11. सफा नंबर 11 पे क्या है, खे. हमने जीम चे हे तो हमने रीड कर लिया. नेक्स्ट है खे के ऊपर कितने डॉट्स होते हैं, वन. ओके, इसके बैली के अंदर कोई डॉट नहीं होता, इसके ऊपर होता है, ठीक है. खे की आवाज़ के साथ हम पढ़ेंगे, खे खा खाना काबा, खे खा खुबानी, खे खा खरगोश. छोटी सी ये देखिए एक्टिविटी यहाँ दी गई, लिखा हुआ है खरगोश को क्या पसंद है. खरगोश को क्या पसंद होता है, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है एप्पल और मेरे ख्याल में गाजर बनी हुई है और ये आड़ू बना हुआ है. तो आपने देखना है कि खरगोश को क्या पसंद होता है, गाजर पसंद होती है ना, तो आपने इसको खरगोश को गाजर के साथ मैच कर देना है, ठीक है. और ये आपने पूरा पेज जैसे मैंने आपको पढ़ा है आवाज़ से पढ़ना है. आई सफर नंबर 18 और 19. और ये आपने जो है वर्ड बुक पर देखना है. ओपन योर वर्ड बुक, उर्दू वर्ड बुक. ये देखिए उर्दू वर्ड बुक सफर नंबर 18 और 19. 18 पे आपको मैं खे लिखना सिखाऊंगी कि खे की फॉर्मेशन कैसी होती है, किस तरह हमें लिखना है. और जो 19 है वो हमने लिखा हुआ है. आपने ये कंप्लीट जो पेज है वो घर में होमवर्क करना है. ओके, आ जाते हैं बोर्ड पे. ओके जी, आ जाते हैं बोर्ड पे. जैसे खे का खुबानी, खे का खरगोश, ऐसे हम यहाँ पर खे लिखने लगे हैं. खे के ऊपर कितने डॉट्स आएंगे, पीजी क्लास वन डॉट. चले आप यहाँ लिखते हैं, जैसे जीम चे हे था हमने बताया था आपको, वैसे ही खे है, ठीक है. खे के ऊपर आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगानी है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है और लाइन के साथ नीचे गोल लेके जाना है वैली स्टाइल, और ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है. यहाँ से छोटी सी लाइन लगानी है और ऊपर क्या करना है, वन डॉट लगा देना. तो क्या बन जाएगा, खे. खे खा खुबानी, खे खा खरगोश. फिर देखिए नेक्स्ट पे स्ट्रेट लाइन लगाई है, नीचे लेके गए हम स्ट्रेट लाइन,
थोड़ा सा नीचे लेके जाएं और बैली बना दें, और थोड़ा सा लाइन से आपने ऊपर लेके जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा लाइन लगानी, छोटी लाइन लगानी है, ऊपर डॉट लगा देना, क्या बन जाएगा खे। ये देखें ये प्रॉपर फॉर्मेशन है, आपने एज इट इज ऐसे ही वर्डबुक पे काम करना है, नीट नीट करना है, पेंसिल को शॉर्प करके करना है, ठीक है, और वॉइस के साथ पढ़ना ताकि आपको याद रहे कि हम ये क्या हर्फ लिख रहे हैं। ओके म्यूजिक क्लास, हमारा जो आज का वर्क था वो कंप्लीट हो गया है, आपने अच्छे फॉर्मेशन के साथ ये काम करना है, नीट नीट वर्क करना है, प्यारा प्यारा काम करना है, और मामा को बिल्कुल तंग नहीं करना, जो वर्क आपको दिया गया है वो आपने जब लिखना है उसको आपने पढ़ते हुए लिखना है, ठीक है म्यूजिक क्लास। ओके बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।